राजस्थान में आखिरकार केंद्र सरकार की ओर से एक साल पहले लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो ही गया। ऐसे में ट्रैफिक रूल्स तोड़ना आमजन को भारी पड़ेगा। गहलोत सरकार ने 36 जुर्मानों में संशोधन किया है। छोटे मोटे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की चालान राशि को 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है। किस प्रकार है संशोधित जुर्मानों की अधिसूचना, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिर केंद्र सरकार की ओर से एक साल पहले लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को प्रदेश में लागू कर दिया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित जुर्मानों की अधिसूचना राज्य सरकार ने बुधवार को जारी की है। गहलोत सरकार ने 36 जुर्मानों में संशोधन किया है। नए जुर्माना राशि के अनुसार अब बिना लाइसेंस या फिर गलत लाइसेंस से वाहन चलाया तो 5000, वहीं बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 का जुर्माना चुकाना होगा। जुलाई 2019 में केंद्र सरकार की ओर से नए मोटर एक्ट के प्रावधानों को लागू किया गया था। इस एक्ट पर गहलोत सरकार ने भारी जुर्माना राशि बताते हुए रोक लगा दी थी। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार विवाद चलता रहा। गहलोत सरकार ने इस एक्ट के तहत जुर्मानों में कटौती की है, हालांकि कुछ जुर्माने यथावत भी रखे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना में घोर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के इस एक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। सीएम गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ इस विषय में चर्चा कर पिछले 1 सितंबर से लागू मोटर यान अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए जुर्माना राशि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि के अनुसार ही निर्धारित की है। इसके साथ ही आमजन के साथ साथ अल्प आय और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालक से जुड़े कम गंभीर प्रकृति के अपराधों में न्यूनतम जुर्माना राशि निर्धारित की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के लिए प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सर्वोपरि है, इसलिए सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से वाहन चलाने से जुड़े अपराधों के प्रति कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। सीएम गहलोत ने आमजन से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधित सभी नियमों की आवश्यक रूप से पालना करें, यह उनके जीवन की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन और वाहन चालन में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। परिवहन विभाग की ओर से मोटर यान अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार सड़क पर माल परिवहन वाले वाहनों को चालक द्वारा रोकने अथवा टोल करने से इनकार करने और क्षमता के अधिक माल परिवहन को सड़क सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए इन अपराधों के लिए 40,000 रुपए और न्यूनतम 20,000 रुपए जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। कम गंभीर प्रकृति के वाहन चालक अपराधों के लिए जुर्माना राशि 100 से 1,000 रुपए तक तथा लाल बत्ती जम करने, सड़क चिन्ह की अवलेना करने, पार्किंग नियम तोड़ने, अदानीकृत सायरन या लाइट लगाने, वाइपर नहीं होने, काली फिल्म लगाने जैसे सामान्य श्रेणी के अपराधों के लिए जुर्माना राशि न्यूनतम 100 रुपए ही रखी गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।